गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बुडापेस्ट, और सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ ऐसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे जाके फोटोग्राफ लेने के लिए मैं 2 साल से सिर्फ सोच ही रहा था। तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। जब गाड़ी में लगा रहा था तो कुछ अपार्टमेंट से बड़ी ज़बरदस्त म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कल सैटरडे नाइट था तो ज़बरदस्त पार्टी शार्टी की आवाज़ आ रही थी। और कई बार ऐसा हुआ है जब मैं पेस्ट साइड में गया हूँ फोटोग्राफी करने, तो जब मैं पहुँचता था 4-5 बजे, मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ ऊपर, सो सॉरी फॉर दैट। तो जब मैं पहुँचता था पेस्ट साइड में तो लोग घर जा रहे होते थे सुबह के 5 बजे। सो फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और एजेंडा ये है कि सनराइज शूट करना है, जो कि मैं बहुत टाइम से, मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि 2 साल से आई वॉज ट्राइंग से मेरा मतलब ये था कि आई वॉज़ बींग लेज़ी, और क्योंकि यहाँ बुडापेस्ट में सर्दियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और उस चक्कर में सुबह उठ के आना सनराइज़ के लिए वो बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वो कहते हैं ना कि ट्रैवल फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी में मुश्किल बात ये नहीं है कि आप कैसे फोटोग्राफी करते हैं या हाउ टू लर्न फोटोग्राफी इन लैंडस्केप एंड ट्रैवल फोटोग्राफी, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट सुबह जल्दी उठ के बिस्तर से, सारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ठंड में लोकेशन पे पहुंचना, वो ज़बरदस्त बात होती है। और यहाँ लोग पार्टी में लगे हुए हैं, आपको आवाज़ें पीछे सुनाई दे रही होंगी। तो सुबह उठ के लोकेशन पे पहुंचना, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन ट्रैवल और लैंडस्केप फोटोग्राफी। कैमरा चलाना, फोटोग्राफी सीखना, कैमरा सेटिंग्स, इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है, ये सब तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख ही जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ भाई हाँ, लोगों को अभी भी हैंगओवर लोगों का उतरा नहीं है अभी भी। तो मैं यहाँ इक्विपमेंट अपना सेट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सनराइज़ के साथ साथ मैं एक्चुअल में शूट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सनराइज़ तो हो नहीं सकता, उसके साथ कुछ सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ सनराइज़, बट जो मेरा सब्जेक्ट है वो है पार्लियामेंट बिल्डिंग, क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग के एग्जैक्ट पीछे से सनराइज़ होने वाला है। जहाँ मैं खड़ा हूँ उस लोकेशन को बोलते हैं फिशरमैन बैस्टियन, जो कि एक एलिवेटेड लोकेशन पे है, बूढ़ा हिल्स पे है, और उसके बगल में है बूढ़ा कैसल, काफ़ी टूरिस्टी जगह है। अभी सुबह के आप देख सकते हैं 4:30 हो रहे हैं, 4:49 को सनराइज़ है, बट फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट आना चालू हो चुका है। इतनी सुबह मैंने बहुत कम ऐसी लोकेशंस देखी हैं जहाँ पे टूरिस्ट आना चालू हो जाता है सिर्फ सनराइज़ को देखने के लिए, और मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे भी हैं, कुछ लोग वहाँ पीछे खड़े हुए हैं, वह जो टावर आपको दिख रहा है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है सनराइज़ के लिए। अगर आप बुडापेस्ट आते हैं और आप एक्चुअल में इस सिटी को लाइव होते हुए देखना चाहते हैं सुबह के समय, तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है सनराइज़ देखने के लिए। आई थिंक पूरे बुडापेस्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है सनराइज़ प्रेमियों के लिए। तो थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, अगले आई थिंक नेक्स्ट 5-6 मिनट्स में सनराइज़ हो जाएगा,
और मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ट्रैवल या लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, कोशिश पूरी करिए आप कोई भी ऐसी लोकेशन, टूरिस्टी लोकेशन जिसको आप फोटोग्राफ करना चाहते हैं, सो कॉल्ड कैलेंडर शॉट्स चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग टारगेट करें उन लोकेशंस पे जाने के लिए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आपको लोकेशंस ऑलमोस्ट खाली मिलती है। ये लोकेशन इसलिए आपको दो चार लोग वहाँ पीछे नज़र आएंगे, इतने नज़र नहीं आ रहे, बट अगर आप इस पे शाम को आएंगे या अब से एग्जैक्टली 3 घंटे बाद आएंगे तो ये लोकेशन भरना चालू हो जाएगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं एक बाइनोकुलर भी रखी लगी हुई है सिटी में, अगर आपको कुछ प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स को यहाँ से व्यू करना है वो भी यहाँ से नज़र आता है, तो उसको देखने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। तो अगले 3-4 घंटे के अंदर यहाँ पे जनता आना चालू हो जाएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी लोकेशंस पे खड़े होकर फोटोग्राफ करना या ऐसी लोकेशंस को फोटोग्राफ करना, क्योंकि नोबडी वांट्स कि आपके सो कॉल्ड कैलेंडर शॉट्स में नो जनता नज़र आए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि लोग गोल्डन आवर की बात करते हैं लैंडस्केप और ट्रैवल फोटोग्राफी में, बट मेरे हिसाब से गोल्डन आवर का अगर आपको भरपूर इस्तेमाल करना है वो है सुबह का समय, बिफोर सनराइज, क्योंकि शाम को क्या होता है, ऑफकोर्स आपको गोल्डन आवर ज़रूर मिलता है, पर वो जो विंडो होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि सनसेट हो रहा होता है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और एक बार सनसेट हो जाता है उसके बाद आपके अनलेस एंड अंटिल यू आर ट्राइंग वेरी समथिंग वेरी क्रिएटिव लाइक स्टार ट्रेल्स या समथिंग लाइक दैट, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है फोटोग्राफ करने के लिए। सनराइज़ में क्या होता है, सन बाहर आ रहा है तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, नॉट जस्ट बिफोर सनराइज़ बट इवन आफ्टर सनराइज़ टू फोटोग्राफ दैट लोकेशन, टू फोटोग्राफ द एस्थेटिक्स ऑफ दैट लोकेशन। सो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पैनासोनिक का S5 लूमिक्स S5 मार्क II विद स्टैंडर्ड किट लेंस 2060mm, और क्योंकि मैं फोटोग्राफ कर रहा हूँ सनराइज़ और जो मेरा की सब्जेक्ट है पार्लियामेंट बिल्डिंग उसके पीछे से सनराइज़ हो रहा है, एंड आई एम नॉट कैरिंग एनी ND फिल्टर्स और वेरिएबल ND और ग्रेजुएटेड ND फिल्टर्स जो कि आइडियली इन सिचुएशंस पे बहुत कारगर होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, मेरे पास है भी बट मैं जानबूझ के नहीं लाया बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई टूडे ब्रैकेटिंग। सो आई एम टेकिंग लिटरली 5 शॉट्स, ब्रैकेट कर रहा हूँ 5 शॉट्स को, एक्सपोजर 5 डिफरेंट एक्सपोजर्स, और फिर उनको मैं मर्ज कर दूंगा सॉफ्टवेयर में टू सी कितना अच्छा और डायनेमिक रेंज निकल के आता है। आई एम शूटिंग इन रॉ और जो भी सेटिंग्स होंगी, जो भी मेटा डेटा होगा वो आपको पिक्चर्स पे एंड में इस वीडियो के नज़र आ ही जाएगा कि मेरी सेटिंग्स क्या हैं, बट आइडियली मैं इन सेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता क्योंकि लाइटिंग कंडीशंस और बहुत सारे सिचुएशंस पे सेटिंग्स चेंज होती रहती है। बट हाँ, काफ़ी लोग पिक्चर्स में मेटा डेटा भी चाहते हैं कि क्या अपर्चर रहा, क्या शटर स्पीड रही, क्या ISO रहा, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली पिक्चर्स के बगल में लिख देता हूँ कि क्या मेटा डेटा था इन पिक्चर्स का, तो वो आप पिक्चर्स में ज़रूर देखिएगा। और अभी सनराइज़ होने वाला है, मैं कैमरे को वापस ट्राईपॉड पर फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि हाँ ये भी एक चीज़ है, ट्राईपॉड क्यों होना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं मेरा फ्रेम बिल्कुल भी नहीं हिलेगा बिकॉज ट्राईपॉड अपनी जगह पे था, आई कैन टेक आउट माय कैमरा, डू व्हाटएवर आई वांट, हैंडल्ड शूट करना है अगर मुझे, और ट्राईपॉड क्योंकि वहाँ पे अपनी जगह पे था तो फ्रेम और कॉम्पोजिशन मेरी वहीं की वहीं रही। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आ गए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू शूट सम पोर्ट्रेट्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन लोकेशंस पे, यू नो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बंदिशें नहीं इन मॉन्यूमेंट्स पे, आप अपना ट्राईपॉड लाइए, मॉडल्स के साथ आइए, लाइटिंग लाइए, जो करना है वो करिए विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नॉर्मल टूरिस्ट का आवन जावन, एंड नोबडी बॉदर्स यू, यू नो आप, एंड एक्चुअली नोबडी केयर्स इन द सेंस कि अगर आप किसी का शूट भी कर रहे हैं, कोई मॉडल्स भी हैं और आपने लाइटिंग शाइटिंग भी लगाई हुई हैं, पीपल गिव दैट मच ऑफ स्पेस हेयर और विच इज़ अ गुड थिंग, एंड मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा कुछ करना चाहिए। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने के लिए आप जाते हैं हुमायूं टॉम या कहीं पर भी, आप चार्जेस ले लो, आप फीस ले लो, बट देन उसको लेने के बाद भी यू नो देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि आप ट्राईपॉड नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आई थिंक थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए इन चीज़ों को लेके, ऑफ कोर्स उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, बट मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम हम भी थोड़ा सा यू नो इन चीज़ों को लेके ओपन अप हों, इन चीज़ों को लेके खुलें। आप देख सकते हैं कितने आराम से यहाँ पे जनता अपने फोटोशूट्स करवा रही है, कर रही है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बड़ा चलन है, यू नो कपल जो भी बुडापेस्ट आता है अगर उनको फोटोशूट करवाना है वेरियस टूरिस्ट लोकेशंस पे,
तो वो करवा सकते हैं, डेडिकेटेड फोटोग्राफर्स हैं उसके लिए, एंड इट्स अ ना डिसेंट इनकम फॉर दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफर्स। सो 2060mm लेंस से मैंने काफ़ी सारे शॉट्स ले लिए ब्रैकेट करके, कुछ अंडर एक्सपोज, कुछ ओवर एक्सपोज, एंड देन सॉफ्टवेयर में आप उन सारे शॉट्स को मर्ज कर देते हैं, जो कि आपको एक बेटर डायनेमिक रेंज देता है। इसको हम बोलते हैं ब्रैकेटिंग, कुछ लोग इसको HDR फोटोग्राफी भी बोलते हैं, बट आप इसको कुछ भी बोलें, बट कहने का मतलब ये है आप मल्टीपल एक्सपोजर्स लेते हैं और सबको आप मर्ज कर देते हैं तो गेट अ बेटर एंड वेरी नाइस डायनेमिक रेंज जो आपको विजुअली आँखों से नज़र आता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास ND फिल्टर्स या ग्रेजुएटेड ND नहीं है और आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में सन सब्जेक्ट के पीछे है और आपके जो सब्जेक्ट वो मूव नहीं कर रहा है, तो बेटर ये है कि आप शॉट्स को ब्रैकेट करके रहें लें, और फोटोशॉप या लाइटरूम में बड़ा आसान होता है इन शॉट्स को मर्ज कर देना। इसके ऊपर बथेरे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। नाउ लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था 85mm का, मैं इसको भी इस्तेमाल करके देखता हूँ। मैंने इसको इस तरीके के सिनेरियो में इस्तेमाल नहीं किया है, तो आई जस्ट वांट टू टेक कपल ऑफ शॉट्स विद दिस लेंस, देखते हैं क्या निकल के आता है। एक बात बोलूं, गलती तो हो गई, एक बार 85mm लगा के देख लेना चाहिए था। अब लग रहा है 2060mm थोड़ा सा वाइड हो गया, बट हाँ फोरग्राउंड एलिमेंट जैसे कि मैं ट्रीज़ के थ्रू शूट कर रहा हूँ तो फोरग्राउंड में जो ट्रीज़ आ रहे हैं, जो लीव्स आ रही हैं, वो 20-60 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, बट 85mm में बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ रहा है। और मैंने दो अपर्चर सेटिंग्स पे वो शॉट लिया, एक बिल्कुल वाइड ताकि जो फोरग्राउंड है वो शैलो नज़र आए, और एक F11 पे ताकि फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प नज़र आए। और दोनों ही रिजल्ट मुझे अभी तक ऐसा लगता है दोनों ही रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए 85mm से एज़ कम्पेयर टू 2060mm। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ। जाने से पहले आई थॉट कुछ और पिक्चर्स ले ली जाए, बिकॉज ये फिशरमैन बैस्टियन जो मॉन्यूमेंट है इस पर लाइट काफ़ी अच्छी पड़ रही है, सो आई थॉट कुछ और फोटोग्राफ्स ले ली जाए यहाँ पे, क्योंकि बार बार सुबह 4 बजे उठना, दैट्स नॉट फीजिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और आज मैं उठाऊँ तो मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करके निकलना चाहता हूँ। सो आई टेक क्विकली टेक कपल ऑफ मोर शॉट्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट जहाँ पे लाइट हिट कर रही है, क्योंकि सन अब ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है तो उस तरफ शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरफ लाइट अच्छी पड़ रही है, डायगोनल पड़ रही है, गोल्डन है अभी भी। सो आई टेक कपल ऑफ पिक्चर्स। एक जूम लेंस होने के यही फायदे हैं कि आप जब चाहे वाइड जा सकते हैं एक ही जगह खड़े होके, जब चाहे आप जूम कर सकते हैं। और यही मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास जूम लेंस होता है ना तो वो एक लेंस काफ़ी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल फोटोग्राफी करने के लिए, बिकॉज देन आप एक ही जगह से 2-3 कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं अलग अलग फोकल लेंस पे। और ये जो पैनासोनिक लूमिक्स का 2060mm है, इससे शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज अभी तक क्या होता था 24mm मुझे फिर भी वाइड तो है बट मुझे इतना वाइड नहीं लगता था कि इस तरीके के मॉन्यूमेंट के नीचे खड़े होके मैं उसको कम्प्लीटली फ्रेम में ले सकूं, बट अभी आई एम प्रेटी हैप्पी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और इतनी अच्छी सनलाइट चेहरे पे पड़ रही है, एंड ट्रस्ट मी सुबह उठ के ये जो 1.5 घंटा निकलता है, जब भी आप कोई असाइनमेंट पे होते हैं, प्रोजेक्ट पे होते हैं, या ऐसे ही शौकिया बाहर निकलते हैं फोटोग्राफी करने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा दिन इतना एनर्जाइज जाता है, इतना ज़बरदस्त जाता है, बिल्कुल भी थकान फील नहीं होती, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि अब बस हो गया आज का दिन। और 8:30-9 बजे तक इतनी ज़बरदस्त नींद आती है दैट यू डोज ऑफ और फिर आप सुबह ही उठते हो सीधा। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग शूट्स हैं मुझे काफ़ी एनर्जाइज लगते हैं, रखते हैं पूरा दिन, और मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में।
और जितने भी लोग ट्रैवल फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जितने भी इंथुजियास्ट हैं या जितना भी इस फील्ड में या इसमें अपना एज अ नो एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं या इवन एज अ प्रोफेशन भी, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आदत डालो अर्ली मॉर्निंग उठने की, अर्ली मॉर्निंग शूट्स करने की, चाहे आप कोई भी लोकेशन पे हो, नॉट जस्ट बुडापेस्ट। कुछ लोग कह सकते हैं यार ये तो इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है, इस लोकेशन के लिए मैं क्यों नहीं उठूंगा अर्ली मॉर्निंग, आई विल गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर दीज काइंड ऑफ लोकेशन। बट ऐसा नहीं है, जब मैं इंडिया में भी था, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था एंड आई यूज़ टू यू नो गो अर्ली मॉर्निंग टू चांदनी चौक या इंडिया गेट, इस तरीके की लोकेशंस पे टू फोटोग्राफ। जब टूरिस्ट नहीं होते थे, शांति होती थी, ऐसा लगता था पूरी दुनिया सो रही है और आप ही एक जो काम पे जा रहे हो, और काफ़ी इंथुजियाज़म मोटिवेशन फील होता था कि मैं ही हूँ जो यू नो अपने काम पे जा रहा है और मैं दुनिया से आगे हूँ। तो इस तरीके की जो मोटिवेटिंग फीलिंग आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पिक्चर्स अपनी जगह एक तरफ हैं, बट जो वो फीलिंग है उसको बयान नहीं किया जा सकता। ट्राई करिए और ये एक आप कह सकते हैं मेडिटेशन की तरह यू नो फील होता है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, बट जाने से पहले मैं आपको छोड़ जाता हूँ उन इमेजेस के साथ जो मैंने यहाँ पे आज खींची। कमेंट करिए आपको कैसे लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।